आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे, सर अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आर्ट कॉलेज की ज़रूरत है या नहीं। ये सवाल बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि इजीली आप विदाउट आर्ट कॉलेज आर्टिस्ट बन जाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप आर्ट कॉलेज की ज़रूरत है एक आर्टिस्ट बनने के लिए। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ तो आपको वो क्लैरिटी आ जाएगा। जो लोग क्लास 10, 11 में पढ़ते हैं, जो लोग अपने आप को देखना चाहते हैं कि मैं बड़ा आर्टिस्ट बनूँ, मैं पेंटिंग करूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट काम करूँ, मुझे बहुत लोग देखे, मेरा एग्जीबिशंस लगे, मेरा पेंटिंग सेल हो जाए और मैं इस लाइन में, एक ड्रीम होता है राइट, क्लास 10, 11, 12 इस टाइम पे। बट पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्चुअली आर्ट कॉलेज का प्रोसेस क्या है, आर्ट कॉलेज के बाद उनका कैरियर क्या है और वो क्या कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स के बाद। अभी तो पहले हम लोगों का 5 ईयर्स था, अभी 4 ईयर्स है, कुछ कुछ जगह पे 3 ईयर्स भी हो चुका है। अगर आप डिज़ाइन का कोर्स कर लो फिर भी आपको जॉब मिल जाएगा, बट आर्ट कॉलेज के बाद आपको जॉब मिल जाएगा ये गलतफहमी है। बिकॉज आपको आर्ट कॉलेज के 4 साल के बाद आपको ड्राइंग आर्टिस्ट में भी कोई कंपनी ले सकता है इलस्ट्रेशंस के लिए, बिकॉज आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं होगा। कैसे क्यों नहीं होगा? बिकॉज बहुत कम आर्ट कॉलेज है, 1 या 2 आर्ट कॉलेज जहाँ पर प्रॉपरली ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। बट अगर आर्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए, वहाँ पे पहली बात तो 1 ईयर्स 2 ईयर्स आपको ड्राइंग, ये आर्ट कॉलेज में जाने का मतलब यही होता है कि मैं 4 ईयर्स 3 ईयर्स में लगातार काम करूँ, मुझे अच्छा स्किल्स हो जाए और मैं चैम्पियन बन जाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया है, मैंने कैलकाटा में भी स्टूडेंट से बात किया है, आजकल जो लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स से चल रहा है, अभी जो स्टूडेंट है उनको एक कैरेक्टर डिज़ाइन अगर बोलूँगा तो वो नहीं कर सकता है, एक एनाटोमी के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है। उसको मैं पूछूँगा कलर, व्हाट इज़ द कलर पर्सपेक्टिव, आप कैसे लैंडस्केप करते हो, टेक्निक क्या है, उनको पता नहीं है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम पिंटरेस्ट गूगल से उठा के ये उठा के एक्सपेरिमेंट वर्क करता है। अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है पहले ईयर से तो आपको आर्ट कॉलेज के जाने की ज़रूरत नहीं, आर्ट कॉलेज का जाने का मतलब ही कुछ और है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप 3 ईयर्स एफोर्ड कर सकते हो आर्ट कॉलेज में, आप पैसा दे सकते हो, तब आप जाओ। अगर नहीं दे सकते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे 2-3 साल में मुझे जॉब करना है, जॉब ही करना है, मैं वो आर्टिस्ट नहीं बनूंगा, बिकॉज आर्ट का कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया के अंदर। बड़े आर्टिस्ट भी सफ़र कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, छोटे आर्टिस्ट भी स्ट्रगल करते हैं। छोटे आदमी का पेंटिंग 2-3 हज़ार में बिकता है, बड़े आर्टिस्ट का 2-3 लाख में बिकता है, दोनों ही स्ट्रगल करते हैं इंडिया के अंदर। ऐसा कोई नहीं है कि जो बोले कि फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ और मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड और मैं तो सिर्फ पेंटिंग बेचता हूँ, ऐसा मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। अगर आपको जॉब करना है तो आर्ट कॉलेज में जाने का ज़रूरी नहीं है। आप एवरी डे 3 आवर्स ड्राइंग प्रैक्टिस करो, वीकली 1 पेंटिंग करो यूट्यूब देख के, आफ्टर ईयर आप ड्राइंग और पेंटिंग में चैम्पियन बन जाओगे। एस्थेटिक्स के लिए आप बहुत सारा गूगल्स में बुक्स है वो पढ़ लो, आर्ट कॉलेज में जो कोर्स है सुधा स्टील लाइफ ये वो 2 मिनट में आपको निकल आएगा क्या क्या सिखाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर स्कल्पचर लेना चाहते हो, अगर कोई स्कल्पचरिस्ट बनना चाहते हैं तो वो आर्ट कॉलेज इज़ परफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट आपको चारों तरफ से पत्थर और वुडन मिलेगा, टीचर भी इधर उधर मिल जाएगा बोलने के लिए, और आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो 2-3 साल। बट अगर ग्राफिक डिज़ाइन बनना है, एनिमेटर बनना है, तो आर्ट कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपरली पेंटर बनना है और आर्ट MFA करने के बाद, BFA करने के बाद, MFA करने के बाद आप आवाज सोचते हो सिर्फ स्कूल जॉब छोड़ के कोई जॉब नहीं है आर्ट कॉलेज के बाद, आर्ट कॉलेज के बाद सिर्फ स्कूल जॉब ही है, वो भी आप SSC दोगे, एग्ज़ाम दोगे, 2-3 धक्का खाओगे, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन कोई भी नहीं है। तो आप ये चीज़ जो जो मैंने पॉइंट बताया है ये चीज़ आप याद रखो,
और अगर कोई क्वेश्चंस है आपके पास कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कि मुझे क्या चाहिए, आप फ्यूचर क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, अब मैं आंसर दूंगा।